1 जुलाई से यानी कि जीएसटी लागू होने वाला, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसे हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर, जो कि 1 जुलाई से लागू होने वाला है। आपको बता दें कि काफी जद्दोजहद के बाद ये जीएसटी बिल लागू होने वाला है। इसके बाद भारत एक देश एक राज्य है, यानी कि सारे राज्य जो अलग अलग टैक्स आते थे उसमें एक टैक्स लगेगा हर जगह। और ये जो टैक्स है ये काफी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसका प्रस्ताव आया था, और हालांकि अब इतने टाइम बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको पास कर दिया। हम आपको बता दें कि जीएसटी बिल लागू होने से जितने भी हमारे देश में सारा कर एक हो जाएगा और एक राष्ट्रीय एक कर बन जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी में चार तरह के कर रखे गए हैं, यानी कि चार स्लैब, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। जीएसटी के बारे में हमने बाहर जाके लोगों से बात करी, दुकानदारों से बात करी कि उन्हें कितनी नॉलेज है जीएसटी के बारे में, और क्या जानते हैं जीएसटी के बारे में कि कितना इससे मुनाफा होने वाला है, कितना इसमें देश को राहत मिलने वाली है, कितना कर में सुधार होगा। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। एक तारीख से जीएसटी लागू होने वाला, क्या पता जीएसटी के बारे में क्या है? जीएसटी जनरल एक जो टैक्स है, इक्वल टैक्स आ जाएगा ऑल ओवर इंडिया। लोग अभी इस बारे में जागरूक नहीं है कि उनको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी तो हर स्टेट वाइज अलग 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 टैक्स हुआ करता था, जो लोगों को रिफंड या करने में या टैक्स ओवर करने में दिक्कत आती थी। आज आप यहाँ से दिल्ली से कुछ भी भेजिए, कहीं पर भी भेजिए, टैक्स रेशो सेम है। लोग अभी इसके बारे में जागरूक नहीं है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि जीएसटी क्या होगा। नेचुरली पेपर वर्क बढ़ेगा, लेकिन फॉर ए टाइम बिंग, उसके बाद लोगों को ऑटोमेटिकली इसकी आदत पड़ जाएगी और एक सिस्टम से काम हो जाएगा और लोगों को उसको बेनिफिट मिलेगा, ना कि इसको नुकसान होगा किसी का। जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है अभी तक का सबसे बड़ा कर सुधार, आपको क्या लगता है अभी तक का सबसे बड़ा कर सुधार है टैक्स में? नहीं है, वाकई में कर सुधार अभी तक कोई भी गवर्नमेंट इस तरह को ले गई है, क्योंकि एक जनरल स्टेप्स उठाना है ये, और आम पब्लिक के लिए है ये जनरल स्टेप्स, आम पब्लिक के लिए, जिसके अंदर सभी दलों की मेजोरिटी होना बहुत जरूरी है और हर पब्लिक को साथ लेके चलना है। तो ये सबसे बड़ा मस्ट है कि जो होना चाहिए। एक तारीख से जीएसटी लागू होने वाला, क्या पता है जीएसटी के बारे में? ये जीएसटी के बारे में यही बताया है कि जीएसटी के लिए आधार कार्ड जरूरी है। अब आधार कार्ड पे अगर किसी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसके लिए धक्के खाओ 15-15 दिन के लिए। वो कह रहे 15 दिन लगे अपडेट होने में, मगर 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है। अब सामने वाली कंपनी से अगर आप काम करने वाले हो तो उसको वो 15 दिन थोड़ी ना रुकेगी, वो तो कहेगी हमें जीएसटी नंबर दो तभी हम आपसे सामान लेंगे, नहीं तो हम ना देंगे ना लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फैसला जल्दबाजी उतनी आप बता रहे हैं आपको दिक्कत आ रही है, काफ़ी लोगों को भी ऐसे दिक्कत आएगी। और चीज़ों में हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए ना, हर चीज़ के लिए एक जो बंदा जीएसटी के लिए घूम रहा है उसको उस वो चीज़ के लिए फैसिलिटी दो ना कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस चीज़ को करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। अगर आपने कंप्यूटर पे अगर जीएसटी में वो आधार कार्ड डलवाना है तो उसके लिए ऑप्शन तो दो ना कि अभी मत अपडेट करा लो, जब हो जाएगा तब डाल देना, मगर आप अभी तो नंबर ले लो। और बाकी आपको क्या लगता है इससे कितना सुधार होने वाला जीएसटी से? नहीं, सुधार तो होगा, देखो जब सरकार ने कोई फैसला लिया तो वो सोच समझ के लिया होगा, ऐसा तो लिया नहीं होगा। सर एक तारीख से जीएसटी लागू होने वाला, आपको कितना पता है सर जीएसटी के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज है क्या सुधार वगैरह होने वाले, क्या इस बार होगा नहीं होगा, क्या होगा, कितना टैक्स है, कितना होगा, कुछ मालूम है सर आपको? कुछ पता है जीएसटी के बारे में? नहीं मालूम। एक तारीख से जीएसटी लागू होने वाला, आपको क्या पता है जीएसटी में क्या चीज है? जीएसटी इंडिया के लिए अच्छा है, अभी सबको मालूम नहीं पड़ रहा तो जीएसटी में क्या कानून है, कैसे टैक्स लगेगा, इसीलिए सब व्यापारी है या पब्लिक है वो धमाल कर रही है। लेकिन जब धीरे धीरे मालूम पड़ेगा तब मालूम अच्छा लगेगा कि नहीं, जीएसटी इंडिया के लिए और व्यापारी के लिए एकदम बढ़िया है। जीएसटी से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनको अभी मालूम नहीं, इसीलिए तो सब बोलते हैं कि ये है। बाकी धीरे धीरे सबको जैसे जैसे मालूम पड़ता रहेगा ऐसे ऐसे सब बोलेगा कि जीएसटी ठीक है एकदम, जीएसटी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सरकार बता रही है अभी तक का सबसे बड़ा कर सुधार, आपको क्या लगता है इसमें? सही है, ये 74 ईयर्स हो गया टैक्स के बाद पहली बार ये सुधारा हो गया है। आप देखो 30 तारीख को रात को पहली बार एक संसद भरा रहा है, जब जवाहरलाल नेहरू ने पहले देश आजाद हुआ था तब संसद भरी, आज पहले नरेंद्र मोदी के राज में आज पहली बार रात को संसद हो रहा है। तो ये एक आगे इंडिया को आगे ले जाने का एक बड़ा जगह है। ऐसा फिर से कोई बड़ा प्रधान आएगा नहीं आएगा किसी को क्या मालूम,
एकदम इंडिया के लिए बेस्ट गुड है। जीएसटी लागू आपको क्या पता है जीएसटी बारे में ज्यादा? नहीं, जीएसटी आने से सबको अच्छा ही रहेगा, लेकिन आज तक जो ये पहल में नहीं गए हैं और दो नंबर में काम कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ है, इसलिए वो लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी जीएसटी सबके लिए अच्छा है। सर आप बताइए जीएसटी बढ़िया है, इंडिया के लिए बढ़िया है। आप बताइए भारत सरकार इसको सबसे बड़ा सुधार बता रही है, कर सुधार, आपको क्या लगता है इसके बारे में? सूत्र होता है सब सब राज्य में एक ही रेट रहता है, इसलिए जीएसटी सही है। ये आपको क्या लगता है, सही जाएगा इसके लिए? अच्छा है भाई, ईमानदारी से लागू करें तो बेईमानी ना करें। और पेट्रोल को बाहर क्यों कर दिया, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल जीएसटी में लाओ। पेट्रोल जो जनता की जनता को जिससे फायदा उसको बाहर कर दिया, पेट्रोल पेट्रोल का रेट हर जगह पर कम है, जीएसटी को भी उसी में लाओ, जीएसटी को बाहर क्यों किया? सर आप बताइए, जीएसटी तो ठीक है लेकिन जो अभी जो इरा वाले का जो डायमंड बाजार अभी खत्म हो गया तो नरेंद्र मोदी ने डायमंड बाजार के लिए गुजरात में सब घर घर में एक एक आदमी डायमंड में जुड़े हुए, तो इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन वो धंधा गुजरात में डायमंड बाजार का खत्म हो जाएगा। जीएसटी एक जगह पे ही लागू करना चाहिए, कापड़ में अलग अलग जगह पे किया है वो बहुत गलत है, उसमें सब वेरिएशन में सबको डिफिकल्टी हो रही है और गुजरात में तीन दिन से इसलिए बंद चल रहा है। क्या पता जीएसटी दो साल में दिखाई देगा कि जीएसटी से बहुत बीजेपी को नुकसान होगा? सर आप बता रहे नुकसान होगा, किस तरह का नुकसान होगा? सर नुकसान में वैसे भी सबको समझ नहीं पा रहे हैं, जो सेल टैक्स ऑफिसर है, वेट टैक्स ऑफिसर है, अभी किसी को व्यापारी सबको पता नहीं है और लागू कर दिया है, इसीलिए एक तारीख से जीएसटी लागू होने वाला। आपको क्या पता है जीएसटी बारे में? हमें ये पता है कि जीएसटी जो गुड एंड सर्विस टैक्स जो होता है, इसे हमारे देश में जितने भी पब्लिक कहीं भी जाते हैं तो ये हमारे यहाँ क्या होता है, राज्य सरकार का भी ये समस्या होती है कि राज्य सरकार का कुछ टैक्स जो है केंद्र सरकार मार ले जा रहा है और केंद्र सरकार का कुछ टैक्स जो है राज्य सरकार के पास फंसा रहता है। और भी कोई भी गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो टोल टैक्स लगता है, सब जगह अलग अलग टैक्स लगती है, इसका कहीं भी पता नहीं चलता है कि ये टैक्स कहाँ जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें घाटा तो होता है कि मेन कस्टमर को सबसे ज़्यादा घाटा होता है। अब गुड एंड सर्विस टैक्स जो हमारे यहाँ लागू हो रहा है, इससे यह फायदा होगा कि सब जितने भी टैक्स देगा सब एक जगह टैक्स होगा और सभी जितने भी पदार्थ हैं जितने भी हमारे यहाँ हैं सब सामान पे अलग अलग टैक्स लगेगा और एक ही टैक्स लग करके सभी जो है सबको कस्टमर को, जैसे अब अलग जीएसटी जो तय होता है कि सब अलग 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 जैसे पदार्थ होता है सब पे अलग, जैसे होता है कि यदि आप कोई भी बहुत लग्जरी सामान खरीदते हो तो उस पर ज़्यादा जीएसटी लगेगा, और जो आपके नीड का जैसे जेनरिक कुछ दवाइयाँ हैं कुछ औषधि है और कोई कॉस्मेटिक का सामान खरीदते हैं तो उस पर अलग अलग आपका जीएसटी लगता है। ये सरकार ने जो फैसले लिए उससे आप कितने सहमत है? इससे तो मैं पूरा 100% सहमत हूँ और सभी को सहमत होना चाहिए कि सरकार ने इतना बड़ा कदम लिया, जो बहुत दिनों से ये जल्दी बिल पास नहीं हो पा रहा था लेकिन सभी राज्य सरकारों ने सभी राज्यसभा में इसका पास कराया गया, इससे तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे देश में एक ट्रांसपेरेंसी जो है टैक्स हमारे यहाँ लागू हो रहा है। हमने आम लोगों से जाना और दुकानदारों से जाना जीएसटी के बारे में, कई लोगों